मैं राजीव इटालियन बीजी ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं एनआर कंप्यूटर एकेडमी में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैकअप एंड रिस्टोर कैसे लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत बच्चों की क्वायरी आ रही थी कि सर मुझे बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में बताइए, और बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो चलो देखते हैं कि बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर। सो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको टैली प्राइम को सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इसमें बैकअप ले सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे कोई भी कंपनी अगर आप ओपन करते हो बैकअप लेने के लिए, तो आपके पास देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आप बैकअप कैसे लोगे, इसलिए इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑल्ट बाय करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि बैकअप एंड रिस्टोर, यहीं पे आपका, यहाँ से आप बैकअप लोगे। अगर कोई आपको पहले से कोई बैकअप मेल कराया है किसी तरीके का है, तो यहाँ पे आप रिस्टोर भी करा सकते हो। तो आज हम देख रहे हैं कि आप बैकअप लेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं कि बैकअप के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि आप जो बैकअप ले रहे हो किस फोल्डर में आपकी फाइल जाएगी, तभी तो आप किसी को मेल कर सकते हो या किसी को भेज सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंड करके एक फोल्डर बनाना है इस तरीके से। फोल्डर बनाने के बाद आप फोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपकी कंपनी है उसके हिसाब से। तो मैं SMRS के हिसाब के नाम से मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ। इसको ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद आपके पास इसकी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल सी करके इसकी लोकेशन कॉपी कर लेना है। फिर आना है आपको सीधा टैली प्राइम में, और आपको बैकअप पे एंटर करना है। बैकअप पे जैसे आप एंटर करोगे, तो फर्स्टली आपसे पूछेगा बैकअप डिस्टिनेशन पाथ, ठीक है। बैकअप डिस्टिनेशन पाथ का मतलब हुआ कि जो भी आप बैकअप ले रहे हो उसका डिस्टिनेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, और जो भी मैंने लोकेशन कॉपी करी थी उसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहा हूँ, देन एंटर करूँगा। उसके बाद आपके पास देखो नेम कंपनी का नाम आएगा, मीन्स आप किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो, बालाजी या SMRS। तो मैंने कहा SMRS कंपनी का मैं क्या करना चाहता हूँ, बैकअप लेना चाहता हूँ। तो इसको एंटर करोगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे, ठीक है। इतना आपको काम करना है, आपका बैकअप हो जाएगा। मिनिमाइज कीजिए, और यहाँ पे आप जैसे आप देखोगे तो इस तरीके से बैकअप आपका आ गया। अगर इसको भी हटाना चाहते हो तो इस तरीके से हटा सकते हो, ठीक है। ये आपका डाटा है बैकअप का, ठीक। तो इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हो। अगर देखो इसको आप अगर रिस्टोर कराना चाहते हो, तो रिस्टोर कराने के लिए भी बड़ा ईजी है। आप क्या करोगे कि आप टैली प्राइम को ओपन करोगे और रिस्टोर ऑप्शन पे जाओगे, और वहाँ पे दोबारा से रिस्टोर करा सकते हो। तो कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंपनी में जो भी काम हुआ था वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डीबुक में देख रहा हूँ कि एक पेमेंट की एंट्री हो रखी थी, एक परचेज की एंट्री हो रखी थी। तो इन दोनों की हमने क्या करी है, बैकअप ले लिया है। अब बैकअप लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने इस कंपनी को डिलीट कर रहा हूँ, ऑल्ट के ऑल्टर, और यहाँ पे आके आप इस कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो ऑल्ट डी, ठीक है। मैंने कंपनी को डिलीट कर दिया, आप देखोगे तो यहाँ पे अब मेरी कंपनी शो नहीं हो रही है। तो अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि इसको रिस्टोर करके उस कंपनी को हम दोबारा कैसे वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो रिस्टोर करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आओगे सबसे पहले, कंपनी पे यहाँ पे आओगे आप, इसका लोकेशन पेस्ट करोगे सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। ऑल्ट सी कर उसको, कंट्रोल सी करके इसकी लोकेशन को पेस्ट कर दोगे, क्योंकि जब तक आप ये लोकेशन नहीं डालोगे, क्योंकि इसी लोकेशन में हमारी कंपनी है, जब तक आपकी कंपनी शो होगी नहीं, ठीक है। फिर टैली पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखो सिलेक्ट कंपनी का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। या ड्राइव के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्पेसिफिक पाथ के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। अब मेरे को गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली आ गया। अब देखो इसको रिस्टोर कराने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल्ट वाई करनी है, और यहाँ पे रिस्टोर पे एंटर करना है। अब रिस्टोर पे आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ।
ठीक है। तो जो भी आपने कॉपी करा था वो सेम के सेम यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, क्योंकि मैं सेम ही रखना चाहता हूँ दोनों। तो यहाँ पे आओगे स्पेसिफिक पाथ में और यहाँ पे पेस्ट करा दोगे, एंटर, ठीक है, इस तरीके से। फिर स्पेसिफिक पाथ भी पूछेगा, यहाँ पे भी आपको सेम वही लोकेशन पेस्ट करा देनी है। तो जैसे आपने देखा कि रिस्टोर डिस्टिनेशन पाथ भी मैंने सेम रखा था और कंपनी कहाँ पे है मेरी वो भी मैंने सेम ही डाला स्पेसिफिक पाथ में, तो आप देख रहे हो कि दोबारा से मेरी कंपनी क्या हो रही है, व्यू हो रही है, जबकि मैं पहले बैकअप लेने के बाद इस कंपनी को डिलीट कर चुका हूँ। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने दोबारा से इस कंपनी को रिस्टोर कराया है। तो रिस्टोर में आपकी कंपनी यहाँ पे शो होने लग जाएगी, आप इस कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और देन एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट करा दीजिए। एक्सेप्ट कराते ही आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। दोबारा इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे आप, ऑल्ट F3, ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या करोगे, लोकेशंस को पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी आ जाएगी और यहाँ पे इस कंपनी को दोबारा से इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे हम इजी स्टेप से कैसे बैकअप ले सकते हैं और बैकअप लेने के बाद अगेन उस डाटा को अगेन उसको हम कैसे रिस्टोर करा सकते हैं कंपनी डिलीट होने के बाद भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिस किसी पे भी वीडियो आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।